स्पॉन्सर्ड बाय तैबा कलेक्शन तैबा ग्लोबल वॉलपेपर ग्लोबल वॉलपेपर एंड को स्पॉन्सर्ड बाय फर्नीचर वर्ल्ड फर्नीचर वर्ल्ड। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऑफलाइन एग्जाम को लेकर 2 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया गया कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा। इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल मैनेजमेंट एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कहा कि जब क्लासेस ऑनलाइन लिए गए हैं तो एग्जाम्स ऑफलाइन क्यों। उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें धमकी दी गई कि प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। इस सिलसिले में कॉलेज प्रबंधक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। फीस था 20,000 बोला था लेगा, ठीक है। लॉकडाउन के टाइम में सबका हाल अच्छा नहीं था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबको था, फिर भी सर लोग बोले कि देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो ट्रेनिंग करने नहीं देंगे, क्लास करने नहीं देंगे। उसके ऊपर से फाइन भी लिए, फाइन सबका बहुत ज़्यादा लिए, सैटरडे संडे इंक्लूड करके लिए। क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे क्लास तो होता नहीं है, संडे को तो सर भी नहीं होंगे अगर हम फीस जमा करने आएंगे, तो भी सर उसको भी इंक्लूड करके लिए हैं और बोलते हैं कि नहीं दोगे हमको कैंप, ये ट्रेनिंग करने नहीं दिए फीस की वजह से, और फिर क्लास से भी निकाल दिए। जो ऑफलाइन भी क्लास हो रहा था तो वो भी मेरे को आने नहीं दिए, बोले नहीं हम 2 बार आए कॉलेज, हमको वापस भेज दिए, बोले नहीं तुमको क्लास करने नहीं मिलेगा, और अब बोलते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम दो, तो हम कैसे देंगे। हम लोग का 1 महीना का ट्रेनिंग हुआ था जिसके कारण हम लोग का कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। हार्डली 15 दिन पहले ही हम लोग का ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ था और अभी एग्जाम के बारे में बोला जा रहा है। हम लोग क्या लिखेंगे उसका कोई पता नहीं है, ना क्लास हुआ था हम लोग के लिए, और 1 महीना जो हम लोग ट्रेनिंग था उसमें ही पार हो गया, बोल रहा एग्जाम देना ही होगा। और मेरा घर में एग्जाम्स कब है आपके? मेरा एग्जाम आज से है, और हम लोग का कोई टीचर भी नहीं है, ना लैब हुआ है, ना कुछ हुआ, ना प्रैक्टिकल हुआ है, ना थ्योरी हुआ, कुछ नहीं हुआ है। और हम लोग का पेरेंट्स को माइनिंग स्टूडेंट को कॉल करके बोल दिया गया है कि आपका लड़का लोग बाहर में तमाशा कर रहा है और एग्ज़ाम देने नहीं आ रहा है। सिलेबस 80-90% ऑनलाइन कंडक्ट हुए हैं तो फिर ऑफलाइन प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? और जब हमने ये चीज़ कॉलेज को बोली है तो कॉलेज हमें बोल रहे हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑफलाइन क्या हो रहा है? ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, तो हमने जब ये चीज़ कॉलेज को बोली कि हमारे ऑफलाइन एग्जाम्स क्यों हो रहे हैं, तो ये सीधा बोल रहे हैं कि काउंसिल का डिसीजन है, काउंसिल से बात करो। तो हमने बोला कि हमारे और काउंसिल के बीच के मीडिएटर आप हैं, तो हम तो आपको ही ना बोलेंगे। तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं तुमको ही सब कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी बात, कल जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, कल भी हमारा प्रोटेस्ट था, तो कल जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हमें बोला गया है कि अगर तुम ऐसे प्रोटेस्ट करोगे तो फिर तुम्हें प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। हम लोगों को प्लेसमेंट की भी धमकी दी गई है, और इनमें से कुछ और स्टूडेंट्स हैं जिनके ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत ही ज़्यादा फीस डिडक्ट हुए हैं। तो किसी का अगर फीस डिडक्ट हुआ है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अच्छा, ऑफलाइन एग्जाम्स देने में प्रॉब्लम क्या है? ऑफलाइन एग्जाम देने में ये प्रॉब्लम है कि जब क्लासेस तो ऑनलाइन कंडक्ट हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस में मेनली क्या होता है कि उतने अच्छे से डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो जब फिर एग्ज़ाम देंगे तो हम क्या ही लिखेंगे। और जो हमारा इंटरनल है, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में लैब्स आते हैं, लैब भी हमारा नहीं हुआ है, लैब का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? वो तो ऑनलाइन नहीं कर सकते ना हम लोग। हैबिट करना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं ऑनलाइन में बहुत सारे मुश्किलें रहते हैं पढ़ाने में भी और एग्जाम देने में भी, और स्टूडेंट्स लोगों को भी समझने में प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग शुरू से ही बोल रहे हैं कि ऑफलाइन में जैसे हो सकता है उतना अच्छा से ऑनलाइन में नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग का काउंसिल का इंस्ट्रक्शन के ऊपर तो हम लोग नहीं जा सकते। काउंसिल जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है हम लोग को उसे हिसाब से ही चलना है। शुरू से हम लोग ऐसे ही आइन को फॉलो करके हम लोग चल रहे हैं। मैम, इनके लैब्स की भी, लैब और जो ट्रेनिंग वाली जो सेक्शन है। कोयले से लदे एक ट्रक से आज सुबह ट्रक चालक की शव बरामद की गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना कुल्टी थाना के चौरांगी फाड़ी अंतर्गत बंगाल झारखंड सीमा के पार्किंग के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति झारखंड का था और कोयले से लदा ट्रक बंगाल के किसी स्थान पर ले जा रहा था। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया है। Yeah.
तेजी से। जो लोग मुझे वोट दिया नहीं दिया, जो अदर पार्टी के लोग भी हैं, मैं उन तमाम लोगों के लिए भी काम करूंगा। ऐसा उन लोगों को कभी महसूस होने नहीं दूंगा कि मैं उनका काउंसिलर नहीं हूं। ये बातें वार्ड नंबर 25 के काउंसिलर एस एम मुस्तफा ने हमारे संवाददाता से कही। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। कल एस एम मुस्तफा के जीत पर जश्न मनाया गया। प्रसेंजित पोइटुंडी भी इस मौके पर मौजूद थे। मेरा 25 नंबर वार्ड। कितने मार्जिन से आप जीते? 1419 वोट। इस जीत के सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीत के सिलसिले में तो जीत जीत है, एक वोट से हो या 1400 वोट से हो। सबसे बड़ी बात है, यहाँ का जो नौजवानों का हुजूम था, जो घर में खवातीन प्रधानसी जी जो आश्वासन दे रही थी, बोल रही थी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत सा लोग जो है इलाके इलाके में जो क्लब वगैरह थे उन तमाम लोगों ने आश्वासन दिया था, काफ़ी इत्मीनान रही हम लोग वोट देंगे, तो सब लोगों ने वोट दिया, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। जीत से कबल भी आपने कुछ वादे किए थे कि इन मुद्दों पर हम जीत कर आते हैं तो इस मुद्दे पर तवज्जो देंगे, अब क्या लाया अमल तैयार करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात, अभी तक तो शपथ पथ हुआ नहीं है, मगर हम काम शुरू अपना कर दिए हैं। जहाँ जहाँ पे पोल टेढ़ा है, जहाँ पे तो तार झूला हुआ है, तो सबको रास्ता से हटाना, मैयत वगैरह निकलने में बहुत तकलीफ होता है। जहाँ पे स्ट्रीट लाइट का खंभा बेकार पड़ा हुआ है, उस शपथ लेने के बाद वो सब ठीक करेंगे। बाकी रहेगा जो नली गली का जो काम होता ही है कॉरपोरेशन का तरफ से, उसको कराना है। और भी बहुत सा काम ऐसा है, जैसे गुराई नदी का सबसे बड़ा काम है, उसको साफ सफाई कैसे हो उसके लिए पूरा लड़ाई रहेगा। दूसरा लड़ाई रहेगा कॉमने, जो हम लोग के पास आरसीएच हॉस्पिटल है, जिसमें एक्सरे मशीन वगैरह ये सब जांच वगैरह सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसका निजाम को बेहतरीन ढंग से करना है, यही के लिए तो हम लोगों को चुना है। यही सब काम करेंगे, और लोगों के बीच में हमेशा जैसे 365 दिन खड़ा रहते थे, तो उसी ढंग से खड़ा रहेंगे। और लोगों को ये मौका नहीं मिलेगा कि कौंसलर दिखाई नहीं देता या कौंसलर आता नहीं है, हम खुद से चल के उसके पास जाएंगे। आज ही से तो स्वास्थ्य साथी कार्ड और हेल्थ कार्ड राशन कार्ड का काम शुरू है, उसके लक्ष्मी भंडार उसके लिए हम ऐलान भी आज करवा रहे हैं, और खुद से कल दिन भर वहाँ रहेंगे। नाश्ता खाना कोई मकसद नहीं है, इंसान तो जीने के लिए खाता ही है, मगर हम इंसान के लिए जीते हैं, तो हो सकता है वहीं चाय बिस्किट खा कर रह लेंगे, ताकि लोगों को जो दिक्कत परेशानी होगा वो अपना दिक्कत परेशानी हो ऐसा महसूस करके काम करेंगे, ताकि नेक्स्ट वार में जो खड़ा होंगे तो जो लोग भी खड़ा हो मेरे अगेंस्ट में, वो खड़ा होने से पहले सोचेगा ऐसा वार्ड करेंगे। सारे लोग को, जो लोग मुझे वोट दिया, जो वोट नहीं दिया, जो अदर पार्टी के लोग भी हैं, मैं उन तमाम लोगों के लिए काम करूंगा। ऐसा कभी महसूस उन लोगों को होने नहीं दूंगा कि मैं उसका काउंसलर नहीं हूं। मैं पूरे 25 नंबर वार्ड का काउंसलर बनना चाहता हूं, ताकि एक मिसाली वार्ड हो। मेरा नाम एस एम मुस्तफ़ा, वार्ड नंबर 25 का,
अब काउंसलर हो गया हूँ। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। संसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहां उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विद प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विद प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग, अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास, घागरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घागरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर 9933121270 एंड 7076368674। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आने वाले आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 29 के कांग्रेस के उम्मीदवार शहाबुद्दीन राजू को हाथ छाप में वोट देकर कामयाब बनाए। ट्रेडिस्फेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर, महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा। नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शन ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शन सपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सौष्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर ना करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। To achieve a goal, you need a good teamwork. For a good teamwork, you need a good companion, a good ambience. You gather more knowledge. To acquire the knowledge, you have to work with it. To work with it, you need good support. With a good support, you need to move forward. To move forward and light the glory of fire. With the glory of fire, make your dreams come true. To make your dreams true, here we are.
आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल नर्सरी टू क्लास 12 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स अफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली एप्लीकेशन नंबर 2430153 टू गेट एडमिशन कॉन्टैक्ट अवर कैंपस ऑफिस आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल Arrest to Chava, Chamuria, Asansol 713-309, List Bad 1, or text helpline 9932-621836, 8653-839325, and 956-431-0088. रविद इस्लाम ने धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जावेद इकबाल नामक एक व्यक्ति जो पिछले कई सालों से इस बैंक के ग्राहक रह चुके हैं, उन्होंने दो इंश्योरेंस कराए थे, लेकिन उनकी बेटी की शादी के वक्त जब पैसे की जरूरत पड़ी तो बैंक की ओर से ताल मटोल करते हुए अब तक पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। आगामी 23 फरवरी को जावेद इकबाल की बेटी की शादी है। रविउल इस्लाम ने कहा कि इस निजी बैंक का टाटा इंश्योरेंस के साथ टाई अप है, जिसके तहत ये इंश्योरेंस कराए गए थे। ये एक काल के कोटे कोटे आज की एरा 22 तारीख भी आज के होते 16 हां आपके जगह कौन ताले आपका ये 6 मास ये 6 मास तक आपना की कन्वर्सेशन बोले এই চিঠি নেওয়া না আমাকে বলতে দিন আপনি আমার ওনার কাছ থেকে চিঠি নিলেন ওনার কাছ থেকে মেডিকেল গ্রাউন্ডের সার্টিফিকেট নিলেন সমস্ত কিছু এই সমাজ ধরে যে প্রসেস করছেন তার এই প্রসেস করে নিশ্চয় টোটাল দেয় আজকে বলছেন যে ওই যে ছেটি করেছিল তাকে ডাকছি তাহলে এই সমাজ ধরে যে আপনার যেটা করবেন তাহলে এটা পুরো পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে চিঠি আজকে আপনাকে যখন ওই আপনি একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অফিসার এসেছেন আজকে আপনারা একে আপনাকে দেখে বলছে যে আমি কালকে ডাকছি আরে ছমাস ধরে এই প্রসেসটা কি হলো মানে কালকে ডাকি না আমি ওনাকে বললাম যে উনি তাহলে ভুল করেছেন তাহলে আপনি কি করে নিয়ে অফিসে আর আমি জাস্ট মিনিট পলিসিতে টার্মস এন্ড কন্ডিশন চলে এনারা যেটা বলছেন যে লকিং পিরিয়ড আছে খারাপ ঠিক আছে আমার কথা আমি সব ম্যানেজার সঙ্গে বলছিলে আমি কি বললাম এই ব্যাংকের সঙ্গে টাই আপ ছিল ব্যাংকে যে সঙ্গে আমার ভালো রিলেশন ছিল আমি যখন এসেছিলাম আপনি ওনাকে ডাকুন ওনার সামনে তো আমরা এই কথা করে নিয়েছি ইন্ডাসলেন্ড ব্যাংক একটা প্রাইভেট ব্যাংক এখানে বসতে বাধ্য হলাম মানে আমারই পাড়ারই একটি ছেলে উনি এখানকার প্রায় 20 বছরের কাস্টমার তার এখানে অ্যাকাউন্ট আছে আগে ব্যবসা করতেন ব্যবসার অ্যাকাউন্ট ছিল তো উনি আজ থেকে 3 বছর আগে ব্যাংকের ইন্ডাসলেন্ড ব্যাংকের সঙ্গে টাটা ইন্স্যুরেন্সে কোথায় যে কোনো টাই আপ আছে তো যারাই কাস্টমার আছে ভালো কথা ইন্স্যুরেন্স করান তো ইনিও এনাকেও একটা ইন্স্যুরেন্স করানো হয়েছিল 3 বছর আগে এবং দেখুন মানুষকে টাকা কেন রাখে তার মেয়ের বিয়ে কোনো অঘটন ঘটলে মানুষ টাকা রাখে তো এই ছেলেটি বলেছিল আমার মেয়ের বিয়ে যে কোনো সময় হতে পারে 1 বছর 2 বছর 1.5 বছরের মধ্যে তো আমি টাকাটা তুললে ফেরত পাবো তো যখন ইন্স্যুরেন্স করানো হচ্ছে তখন দুমদাম করে পেপারে সই করবে হ্যাঁ টাকা পেয়ে যাবেন টাকা পেয়ে যাবেন লাস্টের এই লাস্ট 6 মাসের ঘটনা হচ্ছে যে ওই ছেলেটির মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে বিয়ে ঠিক হয়েছে 23 ফেব্রুয়ারি 2022 বিয়ে ঠিক হওয়ার পরে পরেই উনি ওনার দুটো ইন্স্যুরেন্স হয়েছে একটি মেয়ের নামে একটা ওনার নিজের নামে উনি 6 মাস ধরে বলছেন যে আমার এই যে মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল তো আমাকে এবার টাকাটা একটা উঠাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন 6 মাস ধরে ওনারা বলেছেন ঠিক আছে আজকে হবে 7 দিন পর হবে ওনার সমস্ত কিছু করে এই চিঠি দিন ওনার মিসেসও অসুস্থ যে মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে তার মা প্রচণ্ড অসুস্থ আপনার ডাক্তার সার্টিফিকেট দিন তো 6 মাস ধরে এই সমস্ত পজিটিভগুলো হয়েছে আজ থেকে প্রায় 1 মাস আগে যখন বলছে আমার মেয়ের বিয়ে তো ডেট চলে আপনি আমাকে টাকা দিন বলছে হ্যাঁ হচ্ছে এবং এই ছেলেটি আমাকে আগেও একবার বলেছিল আমি অতটা গুরুত্ব দিইনি কিন্তু আমি যখন আজকে দেখলাম মেয়ের বিয়ে হচ্ছে 23 ফেব্রুয়ারি আর আজকে হচ্ছে 16 ফেব্রুয়ারি আমি বাধ্য এখানে সে ম্যানেজার সঙ্গে কথা বললাম ম্যানেজার সঙ্গে কথা বলে সেই একই কথা এ ওপর লেভেল কত লেভেল যে ওদের আছে সেটা আমি জানি না
মানে এই প্রাইভেট ব্যাংকগুলো প্রাইভেট ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলো এরা কাস্টমারকে টানার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখাচ্ছে আর যখন টাকা নিয়ে নিচ্ছে তখন এদের কাছ থেকে টাকাটা বের করা হয়ে গেছে মুশকিল ম্যানেজার সে আমাকে বলছে ম্যানেজার আজকে বলছেন একটা ওনাকে একটা চিঠি দিতে বলুন আরে বলো আরে মোসাই ওনার নামটা কি ওনা হচ্ছে জাবেদ একবার ওনার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে বাইশে আপনি কেন ধর্ণাতে বসেছেন আমি আমি কাস্টমার আমি আমার উনি আমার পাড়ার লোক একটি পাড়ার মেয়ের বিয়ে হবে না তো উনি কেন বসেন ধর্ণাতে উনি তো বসেছেন এখানে ওনারা ওনাদেরকে এটা বলতে হবে যে আপনারা ভাববেন না যে এখানে আমরা কেউ নেই এবং আমি যখন ওনাকে বললাম যে আপনি যতক্ষণ না আপনি যে ফয়সলা করবেন আমি এখান থেকে যাবো যার জন্য আমি এখানে বসেছি এবং ততক্ষণ বসে থাকবো যতক্ষণ এটা একটা ফয়সলা হবে কারণ কাস্টমারের ব্যাপার কাস্টমারকে এটা করতে হবে কিটা করতে হবে बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आज धतका रोड में नशीली पदार्थों के दो नंबरी कारोबारी को खत्म करने की प्रशासन से गुहार लगाई। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सुरेंद्र सिंह ने कहा कि धतका के स्थानीय व्यक्ति की मृत्यु हुई है, ऐसा कहा जा रहा है कि वह ड्रग्स का नशा करता था। वहीं उन्होंने कहा कि इस इलाके में ड्रग्स की कारोबारी बहुत की जाती है। आज के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और हमारे संस्थार तरफ थे धतका रोड মাটিপাড়াতে এসছি। আমরা খবর পেলাম যে এখানে আমাদের একটা নিডি ফ্যামিলির একটা ছেলে, যাকে অনেক লোক বলছে কি ও ড্রাগসের নেশা করতো, ওই নেশার জন্যে ও মারা গেছে। লেকিন আমরা যতটুকু জানি যে এখানে মানে ড্রাগসের ব্যবসা অনেক আছে এই এলাকায়, যে এই লোক যে ব্যবসা করছে তাদেরই কিছু টাকা পাওয়া টাকা পয়সার কোনো লেনদেন না কিছু বাকি টাকি আছে, তাদের উপরে একটা সন্দেহ আছে কি হতে পারে কি এটা হাতে আছে। এই জন্যে আমরা চাইব গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি বনপুর, আমাদের ডিস্ট্রিক্টের অনারেবল কমিশনার সাহেব আর আমাদের নর্থ থানার ওসি আর আমাদের নর্থ থানার এমএলএ যে আমাদের রাজ্যের কানুন মন্ত্রী আছেন, আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলবো কি আপনি পুলিশকে একটা নির্দেশ দিন আর যে লোকগুলো এইদিকে নেশার কারোবার করছে, আজকে আমরা আজকের কথা বলছি না, এটা ভবিষ্যকে নিয়ে কথা বলছি কি এখানে পুরা ফ্যামিলি বাসাবাস করে, তাকে আনে বালে সময় মে আমাদের যে লোকগুলো আছে সে নেশা থেকে মুক্তি পাক আর কোনো লোকের মানে কোনো বাড়ির লোক এর মেয়ে ছেলে ইয়াং ছেলে ইয়া মেয়ে যে হোক এইরকম নেশার চক্রে মানে কারো মৃত্যু না হোক। এই জন্য যে মানুষ আগে এরকম কোনো কাজ এখানে দু নম্বরই ড্রাগসের ব্যবসা চলছে তো ওদেরকে সাজা হোক শাস্তি হোক, ওরা জেলের মধ্যে যাক, ওদেরকে এখানকার আমাদের লোকাল পুলিশ আছে ওনাদের কাছে আমরা রিকোয়েস্ট করব যে এরকম আর এখানে কাজ থাকছে তো যে নেশার সঙ্গে জড়িত লোক আছে ওনাদেরকে হাজরতে ঢুকান আর জেলে ঢুকান। আপনার নামটা? আমি সুরেন্দর সিং, গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটির মহাসচিব, প্রোগ্রেসিভ ফার্মার্স ফ্রন্ট আর আমাদের ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন, তার আমি স্টেট সেক্রেটারি আছি। আজকে খবরে বাস ইতনা।
ही अपने आसपास की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।